गाइस कैसे आप लोग भाई, आपके लिए एक और नई वीडियो लेके आया हूँ आपके लिए। मतलब इतना बढ़िया ब्लॉग बनाने जा रहा हूँ, लेकिन आप लोग सपोर्ट नहीं करते यार। दिल से आप लोग सपोर्ट करोगे तो और भी वीडियो लेके आऊँगा। ये देखो कितनी दूर दूर आया हूँ, बहुत दूर आया हूँ। ये दूसरा गांव लग गया यहाँ से, मतलब इतनी दूर आके बना रहा हूँ आपके लिए ब्लॉग। तो आप लोग पता नहीं सपोर्ट ही नहीं करते यार, सपोर्ट तो करना पड़ेगा। पता है आपका एक सब्सक्राइबर एक लाइक मेरे को ना बहुत मोटिवेट करता है। तो आप लोगों के कर दो जल्दी से सब्सक्राइब, लाइक तो कर दो यार। एक लाइक एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत है, क्योंकि इससे मेरे को मोटिवेट मिलेगा, मैं वीडियो बनाने में बहुत सक्षम रहूँगा, है ना। और ये सारे अपने खेती हैं भाई, ये यहाँ तक अपनी खेती हैं, वहाँ से स्टार्ट किया था यहाँ तक खत्म है, है ना। अब इसको आया था इसके काम के लिए भाई, इनको बांधना था, नहीं कोई ले जाएगा क्या फायदा है, है ना। काफ़ी सारी मेहनत के बाद भाई ये फसल अपनी है। मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया था मैंने, अकेले नहीं, काफ़ी सारे लोग थे, लेकिन मैंने तो बहुत ज़्यादा ही किया। ये घर में कोई नहीं रहता, घर पे तो अपन है ना, कोई दिक्कत नहीं है भाई। तो जल्दी से बस एक ही है यार, मेरा तो कोई ब्लॉग ही नहीं देखता। ब्लॉग तो देखा करो कम से कम, ब्लॉग तो देखने के साथ साथ यार वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। और भी काफ़ी चीज़ें हैं, मैं आपको अमेजिंग दिखाऊँगा यार। मतलब यहाँ मैं राजस्थान से निवास करता हूँ, और विलेज है वो नादौली है। तो आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिलेंगी, वो दूर दूर तक दिख रहा होगा आपको, है ना। वहाँ मतलब कुछ जंगल जैसा है, तो जाएंगे किसी दिन जाएंगे। लेकिन इस ये वीडियो मतलब क्या है, अच्छी रेस्पॉन्स देगी तो मैं दूसरा ब्लॉग अच्छे तरीके से बनाऊंगा, और अच्छे तरीके से आप लोगों को कुछ ना कुछ नया दिखाने की कोशिश करूंगा, है ना। और ये देखिए यार, क्या दिखाऊं बार बार, ये वही है जो आपको दिखाना चाहता हूँ, है ना। तो गाइस बस एक ही रिक्वेस्ट है, जल्दी से मेरे को मतलब एक सब्सक्राइबर एक लाइक चाहिए। मतलब भाई आपका एक सब्सक्राइबर एक लाइक मेरे लिए बहुत है। और कमेंट तो ऐसी करिए भाई, जो आपको देखने का मन है ना वही दिखाऊंगा, पक्का दिखाऊंगा कन्फर्म है। लेकिन यार ऐसी चीज़ मत बताना जो मेरे लेवल से बाहर हो। तो देखो ये गाइस बहुत अच्छा नज़ारा है, जो सुबह का जो मौसम है ना वो देखो कैसा है। ये पेड़ से पता पड़ रहा होगा भाई बहुत ज़्यादा। अभी पता है कितना टाइम हो गया, देख रहा हूँ रुको एक मिनट, टाइम भाई हो गया होगा लगभग 10 बजे के समथिंग। और अभी तक जो मतलब ठंडी का मौसम है, लेकिन पता नहीं किस टाइप से भाई अभी तक ऐसी आंधी जैसे टाइम में चल रही है, हवा बहुत ज़्यादा ही चल रही है, नॉर्मल भी नहीं है, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। लेकिन आपके लिए ब्लॉग के लिए पता नहीं इतनी दूर आके बना रहा हूँ, आप लोगों को सपोर्ट नहीं करोगे तो क्या होगा। ये मेरी फर्स्ट वीडियो मान लो या सेकेंड, क्योंकि मेरा जो फर्स्ट जो ब्लॉग था वो वायरल नहीं हुआ, और ये आपके लिए अमेजिंग वाला लेके आया हूँ, ठीक है गाइस सपोर्ट करो फुल। दूसरा पार्ट में देखेंगे ब्लॉगिंग में, हम लोग धौलपुर और ये जो नादौली है यहाँ से जाएंगे, तो रास्ते में क्या क्या मिला क्या क्या नहीं मिला वो सारी चीज़ें बताएंगे, ओके। तो गाइस कैसे हो आप लोग, तो चलिए आपको चलते हैं एक और नई वीडियो की तरफ लेके। तो भाई सबसे पहले तो जो मेरी फर्स्ट वीडियो थी जो ब्लॉग था, उस पर मेरे को बहुत बेकार रेस्पॉन्स मिला, मतलब अच्छा मिला ही नहीं। और चलिए दोस्तों मैं आपको अब बेहतरीन वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा, लेकिन आप लोग सपोर्ट करोगे तब। और आज हम ऐसी ऐसी चीज़ें दिखाएंगे इस ब्लॉग में जो देखने के लायक है ब्लॉग, वाकई में मज़ा आएगा आपको भी देखने में। तो भाई सबसे पहले तो वो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, और चैनल को पे यार तुम नए हो तो भाई सब्सक्राइब तो करना ही है ना। तो ये देखिए हमारी पुराना ये कुछ तालाब जैसा है, काफ़ी पुराना है, यहाँ पे पहले पेड़ हुआ करता था, बीच में वो तोड़वा दिया क्योंकि वो गिर जाता क्या फ़ायदा। भाई लोगों आज का मौसम क्या कह रहा है पता है, देखो अभी आपको दिखाता हूँ इस पेड़ को देखो, मतलब ठंड में भी भाई ये मतलब आंधी जैसा लग रहा है माहौल, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे तूफान आ रहा हो एक साइड से। सुबह जगने का मन भी नहीं कर रहा था लेकिन जग गया था। अभी टाइम हो रहा है आपके 9:30, हमारे यहाँ का ये नज़ारा है भाई, ये नज़ारा होता है हर टाइम में। जैसा कि आपको दिख रहा होगा दूर दूर तक बस वही खेत दिखाई दे रहे हैं, हरियाली हरियाली चारों तरफ वही दिखाई देती है ना। तो गाँव में तो अक्सर होता ही यही है भाई, सब लोग करते क्या हैं यही काम करते हैं ना। दोस्तों हम पहुँच चुके हैं अपने खेतों पर, है ना। तो आइए बताते हैं यहाँ से स्टार्ट होते हैं अपने खेत। ये जो आपको लाइन दिख रही है ना, यहाँ से अपने खेत जो है सारे वो स्टार्ट होंगे। वो जो कूप सा दिखाई दे रहा है वो भी अपना ही है, ये सरसों का खेत है, ये यहाँ से स्टार्टिंग है ना। चलो तो चलते हैं, क्या है क्या नहीं है अब बताएंगे मज़े। तो देखिए ये नींबू के पेड़ हैं, नींबू लगे हुए थे पर शायद ये भी मौसम के हिसाब से लगते हैं, शायद लगा तो है लेकिन दूर है। लोगों अभी आपको दिखाता हूँ भाई, लोग अभी दिखाता हूँ एक मिनट, ऊपर है भाई बहुत सारे एक तो नीचे में नहीं है। चलो देखो
का पेड़ था। तो अभी चलते हैं, ये अपनी पुराना मतलब झोपड़ी वाले टाइम में बच्चे उधम कर रहे हैं तो आपको छोड़ आएगा है ना।